हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो भाई, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा किस तरीके से हम लोग खुद का अर्निंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब गाइस, यहाँ पे यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं कि किस तरीके से हम लोग खुद का अर्निंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, बट ज़्यादातर वीडियोज़ में जो अर्निंग एप्लीकेशन बनाई जाती है वो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से उन एप्लीकेशन को बनाना है, और आप लोग पहले ही हार मान लेते हो। तो अभी गाइस, मैं एज अ बिगनर आप लोग को समझ रहा हूँ, और मैं जानता हूँ आप सभी को मतलब एप्लीकेशन बनाने नहीं आता होगा, तो बिल्कुल मैं बेसिक से आप लोग को बताऊँगा किस तरीके से हम लोग अर्निंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो चले यार, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ यार गाइज, हमारे चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो पसंद है तो यार लाइक भी कर देना। तो चलिए यार, स्टार्ट करते हैं। अब गाइज, ये पार्ट वन होने वाला है, इसकी पूरी एक सीरीज आएगी, तो उसका वेट करके रखना। तो भाई, मैं सबसे पहले तो आपको एक वेबसाइट के अंदर आ जाना है जिसका नाम है थंकेबल, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इस पर आ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप लोगों को लॉगिन वाला ऑप्शन मिल रहा है, एंड फिर यहाँ पे क्लिक हियर फॉर क्लासिक प्लेटफॉर्म का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सिंपली साइन इन गूगल पर क्लिक करना है, एंड अपने आप ही साइन इन हो जाएगा। फिर साइन इन होने के बाद इस वाले टैब को आप लोग क्लोज भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ऑलरेडी एप्लीकेशन बनाई हुई है, बट बेसिकली आज मैं आप लोग के लिए न्यू अर्निंग एप्लीकेशन यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। तो सिंपली क्रिएट न्यू ऐप पे हम लोग क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग कोई भी अपना नाम रख लेते हैं एप्लीकेशन का। फॉर एग्जाम्पल मैं रख रहा हूँ यहाँ पे इंटरनेट अर्निंग, ठीक है, ये मैं इस एप्लीकेशन का नेम रख रहा हूँ, एंड सिंपली इसे ओके पे टैप करते हैं। हम लोग जैसे गाइस यहाँ पे टैप कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। तो बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को इजीली समझ आ जाए सब कुछ। तो अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पे देखिए स्क्रीन वन आ रहा है। सबसे पहले हम लोग स्क्रीन वन को हटा देते हैं, बिकॉज सर अर्निंग एप्लीकेशन में ये स्क्रीन वन आएगा तो कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा, एंड यूज़र हमारी एप्लीकेशन को यूज़ भी नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी वाला विंडो दिख रहा है आप लोग को, ये प्रॉपर्टी वाला विंडो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे स्क्रोल करना है। स्क्रोल करने के बाद गाइस यहाँ पे आते हैं, तो ये टाइटल है गाइस, उसको क्या करना है, उसका नीचे आ रहा है टाइटल विजिबल, ये टिक है, तो इसे यहाँ पे अनटिक करते हैं। देखिए हमारा टाइटल यहाँ पे रिमूव हो चुका। उसके बाद पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो गाइस, ये ब्लैक ब्लैक है, तो आपको ऊपर आना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में ऊपर आना है, एंड बैकग्राउंड को आप लोग किस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ग्रीन कर ले रहा हूँ अपना बैकग्राउंड, ओके, तो कुछ इस तरीके का हमारा एप्लीकेशन अब यहाँ पे दिखेगा। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, एंड अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, ये तुम्हारा फ्रंट पेज बन चुका है, बट अब कैसे यहाँ पे हम लोग मतलब ये एप्लीकेशन कुछ लग नहीं रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली ये जो यूज़र इंटरफेस वाला ऑप्शन है इसको आप लोग सबसे पहले ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे गाइस इमेज का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस इमेज को यहाँ पे उठाना है और यहाँ डाल देना है, ठीक है। अब हमारी इमेज यहाँ ऊपर आ रही है, ठीक है, इस इमेज को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे नीचे ले आते हैं, बट उससे पहले हम लोग चलते हैं गूगल में और यहाँ पे कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, अर्निंग ऐप इमेज, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, इमेजेस वाले ऑप्शन में चलते हैं, एंड यहाँ पर मान लेते हैं गाइस कोई भी मैं एक रैंडम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिंपली हम लोग इसे सेव इमेज एस पे क्लिक करते हैं, इसे डाउनलोड कर लेते हैं हमारे डेस्कटॉप पे। तो सिंपली मैं इसे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, इस इमेज पे सिंपली टैप करना है, और यहाँ पे पिक्चर वाला एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप कर लीजिए और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर लीजिए। फिर चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, एंड इसे जहाँ पर भी आपका डाउनलोड हुआ होगा उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इसे यहाँ पे चेक कर लेना है, ये देखिए ये हमारा, ये हमें इसे डाउनलोड किया है। उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये अपलोड हो रहा है, एंड ये देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद ये तो हमारा फ्रंट स्क्रीन हो गया, तो अब होम स्क्रीन पे वो कैसे जाएगा वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो सिंपली क्या करना है आप लोग को, यूज़र इंटरफेस पे दोबारा क्लिक करना है, एंड ये बटन का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बटन का एक ऑप्शन आ रहा है। सिंपली हम लोग इसे यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। थोड़ा इसे नीचे करने के लिए क्या करना होगा, आपको जाना पड़ेगा लेआउट वाले ऑप्शन में, एंड इसमें से मान लीजिए आप लोग को हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। उसके बाद इसे यहाँ पर बीच में डाल देना है, और फिर इस पर टैप करना है, ठीक है, इस पर आप लोग को ये जो डिब्बा आ रहा है इस पर टैप करना है, और हाइट पर गाइज आप लोग इसे मान लेते हैं हम लोग 3%, ठीक है, इसे 3% मैंने करके ओके कर दिया। आप देखिए हमारा थोड़ा सा नीचे आ रहा है, और ये जो है यूज़र को दिखेगा भी नहीं, ठीक है, हमारा बटन वन बना है। अब बटन वन का हम लोग नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देख सकते हो बटन का, हम लोग यहाँ पे ब्लू भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ब्लू अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे ग्रीन के साथ, तो हम लोग इसे येलो ट्राई करते हैं, ओके, तो ये अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। फिर फॉन्ट साइज़ मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ बटन वन, इसको आप लोग बढ़ा सकते हो, मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, ओके।
20 करने के बाद इस बटन का नाम हम लोग चेंज करते हैं, इसके लिए नीचे आना होगा एंड यहाँ देखते हैं, ये देखिए बटन वन आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, होम, ठीक है, इसको होम कर दिया हमने एंड ये देखिए होम बन चुका है अब हमारा। उसके बाद ये हमारा स्क्रीन वन हो गया। स्क्रीन टू बनाने के लिए क्या करना होगा, ऐड स्क्रीन पे आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना है और जो मैं बोल रहा हूँ गाइस उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है, कैपिटल एच, ठीक है, फिर ओ एम ई, ठीक है, होम लिखना है, कैपिटल एच होना चाहिए, कैपिटल एच लिख दिया, उसके बाद ओके पे क्लिक कर लीजिए। अब हमारा एक न्यू स्क्रीन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, तो हमारा न्यू स्क्रीन यहाँ पे देखिए आ चुका है जिसका नाम है होम, तो हम इसका भी यहाँ पे हटा देते हैं कुछ इस तरीके से। सिंपली यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड इसे टाइटल विजिबल जो है इसे रिमूव करना है। अब वाइट को हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड जो है इसे चेंज कर लेते हैं, हम लोग अंदर हम लोग ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ रहा है। अब उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पे आप लोग को कुछ बटन्स ऐड करना है, ठीक है, जैसे टास्क का डालना है, उसके बाद यहाँ पे डालना होगा आपको हाउ टू वर्क, फिर कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे अर्निंग, मतलब जो अर्निंग एप्लीकेशन बनानी है। सिंपल बनवा रहा हूँ मैं क्योंकि जो प्रोफेशनल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत हो जाती है। उसके बाद तो सिंपली आपको यूज़र इंटरफेस पे क्लिक करके यहाँ पे एक बटन ऐड करना है, ये होगा अर्निंग का, मतलब टास्क का। उसके बाद एक और बटन हाउ टू वर्क, फिर यहाँ पर डाल देते हैं पेमेंट का, ठीक है, ये तीन बटन मैं यहाँ पे अभी ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आप चौथा भी डाल सकते हो, कॉन्टैक्टस, तो ये मैं चार बटन यहाँ पे ऐड कर चुका, अभी काफ़ी बेकार लग रहे हैं तो हम इन्हें चेंज करते हैं, ठीक है। अभी बेसिकली मैं आपको पूरा इंटरफेस बताऊँगा किस तरीके से यहाँ पे वर्क होगा एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पूरा यहाँ पे थोड़ी कोडिंग भी सिखा दूँगा एंड फिर उसका तीसरे में मतलब पूरी एप्लीकेशन अपनी बन जाएगी। फिर बटन वन पे सिंपली हम लोग टैप करते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे रेड, ठीक है, रेड कर सकते हैं हम लोग एंड उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है हम लोग उसको बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। बोल्ड करने के बाद इटैलिक कर सकते हो आप लोग, डिपेंड करता है। फिर इसका साइज़ हम लोग यहाँ पे 25 रखते हैं, ठीक है, चाहे तो आप लोग और भी बढ़ा सकते हो, मैं 30 कर लेता हूँ, एक मिनट देखता हूँ। सो 30 पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, देखिए बटन वन बाहर आ रहा है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको नीचे आना है प्रॉपर्टीज़ में एंड ये जो विड्थ का ऑप्शन आ रहा है इसको आप लोगों को क्या करना है, परसेंटेज में जाके 50 करते हैं, ठीक है, 50 पे इतना साइज़ आएगा और अगर आप लोग 60 कर लेते हो तो कुछ इतना साइज़ आ जाएगा। हाइट में ऑटोमेटिक रहने देना चाहता हूँ। उसके बाद फिर बटन टू में भी हम लोग सिंपली यही करते हैं, इसको भी रेड कर लेते हैं बैकग्राउंड को एंड इसको भी बोल्ड कर लेते हैं एंड इसको 25 30, ठीक है, 30 इसको भी करते हैं। इसका भी विड्थ वाला जो ऑप्शन, इस पर टैप करके परसेंटेज में आपको डालना है 60। सारे बटन का साइज सेम रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद मैं भी आपको डिज़ाइन भी बताऊँगा किस तरीके से बटन को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बटन थ्री में भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है, इसको 60 करते हैं और इसे 30 करते हैं, कलर हम इसका रेड। फिर फोर्थ में भी सेम यही करना है, इसको रेड करना है और इसको 30 करना है एंड विड्थ को हम लोग 60 कर लेते हैं। मैं हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि कोई भी यहाँ पे सीख सके इसे। इसको बोल्ड कर लिया, अब इनके बीच हम लोग थोड़ा सा स्पेस डाल लेते हैं, तो वही करना है, लेआउट में आ जाना, ठीक है, लेआउट वाले ऑप्शन में आना है, फिर यहाँ पे उठा के डाल लीजिए इसका। फिर विड्थ हम लोग वही कर लेते हैं गाइस, 4 कर लेते हैं इस बार, ठीक है, और सॉरी विड्थ नहीं, विड्थ हम लोग ऑटोमेटिक करने रहते हैं। फिर हाइट में जाना है आपको और यहाँ पे 4 डालना है, तो 4 में ऐसा आ जाएगा, तो 5 आई थिंक बेटर रहेगा, लेट्स सी, हाँ 5 ठीक है। फिर दोबारा एक और ऐड करना है, इसका भी हम लोग हाइट जाएंगे 5 कर देंगे। फिर इसी तरीके से इसका भी यहाँ पर ऐड करते हैं और हाइट 5%। देन हम लोग को बेसिकली क्या करना है, बटन का नेम यहाँ पर रखना है, तो बटन नेम विल बी, सो इसको डालते हैं टास्क, सब कुछ मैं कैपिटल में डाल रहा हूँ, टास्क इसका नाम हाउ टू वर्क एंड थर्ड हम लोग हाउ टू वर्क आई थिंक बड़ा हो जाएगा तो सिंपली लिखते हैं वर्किंग लिख देते हैं, तो ये ठीक आ गया। आप फिर बटन थ्री हम लोग यहाँ पर डालेंगे पेमेंट एंड फिर बटन फोर हम लोग डालते हैं कॉन्टैक्ट, तो इस तरीके का भी कुछ दिखेगा। बट अभी हम लोग को यहाँ पर बटन भी डिज़ाइन करना है, तो आप लोग इस टास्क के ऊपर भी एक लेवल जो है स्पेस डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो हाइट में
5% कर लेते हैं, ओके ठीक है। तो अब कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हम बटन को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर बटन पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में आके